अगले खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ में 42% के करीब वन क्षेत्र है और बस्तर इसमें अहम स्थान रखता है। हालांकि वन क्षेत्र घट रहा है और ऐसे में वन कर्मचारियों की ड्यूटी उतनी ही मुश्किल होती जा रही है। बस्तर में तो ये ड्यूटी दोगुनी खतरनाक भी होती है, क्योंकि एक तरफ तस्करों का खौफ है तो दूसरी तरफ माओवादियों का भी। जरा सी बात बिगड़ी तो माओवादी वन कर्मचारियों अधिकारियों को भी नहीं बचते हैं। पुलिस के लिए तो नक्सल मोर्चे पर कई प्रावधान हैं, लेकिन वन कर्मचारी इस मामले में अब तक विशेष सुविधा से वंचित है। आपको बता दें कि बस्तर में नक्सल मोर्चे पर काम कर रहे वन कर्मियों पर पुलिस की तरह ही दबाव होता है। ये वन कर्मचारी हैं अकेले ही दुर्गम और घने जंगलों के बीच माओवादियों के सीधे निशाने पर होते हैं। देखने में ये भी आया है कि जब भी माओवादियों की अनबन वन कर्मचारियों से हुई है तो उन्होंने बेरहमी से उनकी हत्या भी की है। हाल ही में रेंजर पद पर काम कर रहे भैरमगढ़ के रथराम पटेल को माओवादियों ने बेरहमी से मार दिया था। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन निर्मम हत्या का खतरा इन वन कर्मचारियों पर हमेशा मंडराता रहता है। हमारे वन कर्मचारी वनों की सुरक्षा में शहीद होते हैं और नक्सली के द्वारा भी शहीद होते हैं। उनको क्या है, शासन के द्वारा कोई सुविधा नहीं जाता, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। सर्वप्रथम तो शहीद का दर्जा देना चाहिए और उनके परिवार को, जैसे पुलिस विभाग में राशि तुरंत आवंटित की जाती है 15 लाख रुपये, वो हम कर्मचारी जैसे वन विभाग के कर्मचारी शहीद होते हैं उनको 15 लाख की राशि मिलना चाहिए। हमारे वन विभाग के रिकॉर्ड के हिसाब से जगदलपुर वन वृत्त के अंतर्गत पिछले 90 के दशक से अभी तक कुल 6 कर्मचारी और अधिकारियों को शहीद की जो है श्रेणी में शामिल किया गया है। इसमें वनों की सुरक्षा करते हुए किसी तरीके से जो है अगर उनको उनका जान जो है जाती है, उनको मार दिया जाता है,